एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव पर बड़ी कवरेज आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज पर। जम्मू कश्मीर निकाय चुनाव में वोटों की गिनती की बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं। गिनती शुरू हो गई है, सुबह 9 बजे से गिनती की शुरुआत होनी थी। आपको याद दिला दें, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली चुनावी प्रक्रिया है जिसके नतीजे बस कुछ मिनटों में आने शुरू हो जाएंगे। पहले रुझान आएंगे, वोटों की गिनती क्योंकि बैलेट पेपर से हो रही है तो वक्त लग सकता है। एबीपी न्यूज पर दिन भर इस चुनावी नतीजों पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे विश्लेषण वाली कवरेज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहले डीडीसी चुनाव है और 370 हटने के बाद ये पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसीलिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर इन चुनावों पर है। तो सुबह 9 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और हो चुकी है ये प्रक्रिया और 280 सीटों के नतीजे आज आने। जम्मू कश्मीर में आतंक के बुलेट को जनता बैलेट से जवाब दे चुकी है। कुल 8 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले साल अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई हुई थी। इसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव घाटी में हुआ है। डीडीसी के इस चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान की हिंदुस्तान विरोधी साजिश को जवाब दिया। खास बात ये रही कि चुनाव को बीजेपी ने पूरी ताकत से लड़ा और अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि घाटी में मुस्कुराता हुआ कमल खिलेगा। कुल 20 जिलों में वोटों की गिनती होनी है। हर जिले में डीडीसी की 14 सीटें हैं, इस लिहाज से कुल 280 सीटों के नतीजे आएंगे। चुनाव के दौरान पाकिस्तान ने गड़बड़ी फैलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन देश के वीरों ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया। कई आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले आतंकी जहन्नुम भेजे गए। इस चुनाव के दौरान रोशनी घोटाले से लेकर गुपकार मीटिंग तक की बातें हुई। घाटी के नेताओं ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक की पैरवी की। अब आने वाले नतीजे ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना चाहती है। इस चुनाव के बाद सरकार की कोशिश राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने की होगी। तो डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी। 8 चरणों में मतदान हुआ था और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि नतीजे ये साफ कर देंगे कि किस ओर बैठने वाला है पूरा मामला, किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आपको आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट पहले देखनी चाहिए ताकि आप समझ सके 370 हटने के बाद चूंकि ये पहला चुनाव है तो क्या कुछ वहां पर माहौल है उसे समझाती हूँ। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले डीडीसी चुनाव के लिए आज नतीजों का दिन है और आपसे थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। इस समय हम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हैं, जहां पे पार्टियों के प्रत्याशी भी है, उनके एजेंट्स भी हैं, सब पहुंच रहे हैं और यहां पे आपसे थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के काफ़ी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और श्रीनगर के साथ साथ बाकी ज़िलों में भी काउंटिंग सेंटर्स के बाहर और आसपास धारा 144 लगा दी गई हैं, जबकि कुछ ज़िलों में पटाखे फोड़ने और जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव में तकरीबन 2138 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें से कुल 280 सीट जो बीडीसी की हैं उन पे काउंटिंग होगी, जिनमें से 140 जम्मू क्षेत्र से और 140 कश्मीर क्षेत्र से हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।